नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर जूही है और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दाद यानी कि रिंगवर्म के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि दाद क्या होता है। दाद, जिसे कि हम इंग्लिश में रिंगवर्म कहते हैं, ये एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो कि त्वचा यानी कि आपकी स्किन की तकलीफ है, स्किन का रोग है ये। और आजकल ये देखा गया है कि ये दाद का रोग बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोगों में ये पाया गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत आसानी से फैलता है। अब हम ये देखते हैं कि दाद यानी कि रिंगवर्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या होते हैं। दाद में आप अक्सर देखेंगे कि जो त्वचा है वो या तो काली होने लग जाती है या तो फिर उसके ऊपर लाल रैशेज होने लग जाते हैं। और इन रैशेज में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो ये रहते हैं ये त्वचा से थोड़ा सा ऊपर उठ के रहते हैं और इनका एक अच्छा सा एक बॉर्डर रहता है जो एक रिंग की तरह फॉर्म हो जाता है। और अक्सर ये तकलीफ़ ये देखा गया है कि ये जो दाद यानी कि जो पैचेस रहते हैं रिंगवर्म के, ये अक्सर लोगों को या तो जांघों में या तो फिर गर्दन के पीछे की तरफ या तो गर्दन में साइड की तरफ या तो फिर बगल में या फिर पैरों में या नो ऐसे अक्सर ऐसी जो स्किन की जो ऐसे जो कॉमन साइट्स रहते हैं जिसे हम कहते हैं, जो कॉमन जगह रहती है स्किन पे, ये ज़्यादा कॉमनली यहाँ पे देखा गया है। हालांकि ये आपके त्वचा पे कहीं पे भी हो सकता है, पर ये ज़्यादातर हमने देखा है कि ये ज़्यादा कॉमनली इन इन जगहों पे बहुत कॉमनली पाया जाता है। और ये तो हुई त्वचा की बात, अब नाखूनों में भी रिंगवर्म के जो है तकलीफ़ होती है लोगों को। उसमें क्या होता है कि जो नाखून रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, उनमें जो है ना क्रैक्स डेवलप होने लग जाते हैं और बहुत सख्त हो जाते हैं ये नाखून अक्सर। ये तो था दाद के बारे में कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं और लक्षण क्या होते हैं दाद के और कहाँ कहाँ ये पाया जाता है। अब ये देखते हैं कि इस दाद का जो ट्रीटमेंट है वो क्या होता है। अक्सर ये देखा गया है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको एंटी फंगल क्रीम या एंटी फंगल ऑइंटमेंट जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, या तो फिर यूजुअली जो देखा गया है कि लोग अपने आप ही आजकल जाके केमिस्ट पे से सब ये सब क्रीम्स ले आते हैं जिनके वजह से उन्हें थोड़े टाइम तक तो रिलीफ मिलता है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम तक क्या होता है कि ये क्रीम्स जो है इन इस दाद को या फिर इस फंगल इन्फेक्शन को, इस रिंगवर्म को थोड़ी देर के लिए जो है ना वो त्वचा के अंदर दबा देता है। इसलिए आपको कुछ टाइम के लिए तो ज़रूर लगेगा कि हाँ हम ठीक हो गए हैं इस दाद से, लेकिन क्या होता है जैसे कि जैसे ही आप इस क्रीम का यूज़ या फिर इस ऑइंटमेंट का यूज़ बंद कर देते हैं वापस से वो दाद उभर के आता है और ज़्यादा आता है, उसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जब ये बाद में आता है। ये क्यों होता है? जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये जो क्रीम्स है ये सिर्फ इन्हें दबा देती है, इसे जड़ से ठीक नहीं करती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जो ये दाद की तकलीफ़ है, जो जो ये रिंगवर्म की तकलीफ़ है, अगर ये आप उसे पूरे जड़ से और निकालना चाहते हैं अपने शरीर से, अपनी त्वचा से, तो इसके लिए सबसे लाभदायक ट्रीटमेंट जिस का रहता है वो है होम्योपैथी। जी हाँ, होम्योपैथी की मदद से आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी में सिर्फ इस तकलीफ़ के लिए नहीं बल्कि आपको पूरी तरह से, एक इंसान को पूरी तरह से समझ के, उसके बारे में जान के परख के, उस इंसान के हिसाब से उसे दवाई दी जाती है। ना ही कि उन्हें अगर रिंगवर्म या दाद की तकलीफ़ है तो उसी के लिए एक ऑइंटमेंट दे दिया या उसी के लिए एक दवा दे दी, ऐसा नहीं रहता है। उस इंसान को पूरी तरह से समझ के परख के उसके हिसाब से उन्हें दवाई दी जाती है, जिसके मदद से क्या होता है धीरे धीरे स्लोली वो इस दाद की तकलीफ़ से उन्हें छुटकारा मिल सकता है। पर ऐसा है कि ये जो तकलीफ़ है वो धीरे धीरे के शरीर से जाएगी, जड़ से जाएगी। अगर आप कहें कि नहीं हमें एक या दो दिन में ही इस तकलीफ़ का छुटकारा चाहिए, तो नहीं, ये क्रॉनिक चीज़ होती है, ये टाइम लेती है आपके शरीर से निकलने के लिए। आप अक्सर देखा गया कि पेशेंट्स एक दो दिन में उन्हें रिलीफ चाहिए इसलिए वो क्रीम लगा देते हैं, वो अंदर दब जाता है फिर वो वापस बाहर उभर के आता है। उससे बेटर है कि हम धीरे धीरे उस तकलीफ़ को पूरी तरीके से, पूरे
पूरा का पूरा उसे जड़ से निकाले आपके शरीर से, इसके लिए उसे थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। पर ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि होम्योपैथी की मदद से डेफिनेटली आपको इस तकलीफ़ में, इस दांत के रोग में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, ज़रूर ये तकलीफ़ जो है आपकी वो जड़ से जाएगी। बस आज के लिए इतना ही था दांत के बारे में और होम्योपैथी इसमें कैसे आपकी मदद कर सकती है उसके बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता चले कि दांत में जो होम्योपैथी है जिस उसका क्या रोल है, उससे क्या किस तरीके से वो दांत से और इस तकलीफ़ से जड़ से छुटकारा पा सकते हैं होम्योपैथी की मदद से, इसका महत्व क्या है इस तकलीफ़ में, ये लोगों को ज़रूर पता चले। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में ज़रूर पता चलता रहे।